Hi everyone, welcome to your favorite cash management quantifiers. My name is Sahil Arora. So in question of the day today, we are going to do a very good question on averages. All right, if your concepts are good, you should be able to see it through. All right. So I hope aap logon ko meri screen dikh rahi hogi abhi, right? This is the question. I would want you to pause the screen and try this one. All right. And if you want something interesting, there is something in the description. Aap usko dekh lijiyega. All right. Okay. It says the average score in examination taken by 52 students of a class is 85. If the score of the top 5 performers are not considered, the average score of the students fall by 52. Okay. If none of the top 5 performers scored below 80, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on up to 52 people are there. Let us say these are the top 5. All right, ye top ke 5 hain. Inme se kisi ka bhi score below 80 nahi hai. All right. And each of them has distinct integral scores. Sabka score bhi alag alag hai, 5 ka. Then find the maximum possible score of a topper. Jo topper hai na, uska maximum score nikalna hai apne. This is the question. अब हमें दिया हुआ है कि यार 52 बच्चों की एवरेज 85 है, तो 52 का टोटल होगा 52 इनटू 85. अगर टॉप 5 के स्कोर कंसीडर ना करो तो बाकी कितने बच्चे बचे? 47. उनकी एवरेज है 83. सो अगर हमको टॉप 5 का टोटल देखना हो, टॉप 5 का, तो मैं कहूंगा कि यार टॉप के जो मतलब 5 बच्चे हैं उनके लिए 52 इनटू 85 इज द टोटल मार्क्स ऑफ द होल क्लास. अगर मैं टॉप के 5 छोड़ दूं तो बचे 47, उनकी एवरेज गिर गई 83 से. सो दिस कम्स आउट टू बी 519. अब ये टोटल निकालने के भी दो तरीके. अगर आपके एवरेज के बेसिक्स ठीक हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. हर बच्चे के पास 85 रुपीज है इनिशियली. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनिशियली सबके पास 85 है. टॉप के 5 को अगर छोड़ दूं तो सबके पास 83 है. इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉप के 5 बच्चे थे उन्होंने बाकी सारे बच्चों को दो दो का स्कोर दिया हुआ था टॉप के 5 में, और बाकी बचे कितने? 47. तो उन्होंने अपनी तरफ से 94 का स्कोर बांटा हुआ था और 85 × 5 तो अपने पास रखा ही था. तो वहां से 425 प्लस 94, 519 अगेन आ गया मेरे पास टोटल, जो टॉप के 5 बच्चों का टोटल. अब इसके बाद एक बहुत ही कॉमन गलती है जो सब करते हैं, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझसे भी हुई थी एक बार, कि यार हम सोचते हैं कि टॉप 5 का स्कोर 80 से कम रखना है, 80 से कम नहीं रख सकते. तो क्योंकि मैंने टॉपर का स्कोर निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, फिफ्थ वाले का 80 रख देता हूँ, इसका 81, इसका 82, इसका 83. तो 519 में से जब मैं ये माइनस करूंगा तो 18 × 4 320 और 6 326, तो मेरा आंसर आ जाएगा 193. और इंटरनेट पे जितनी जगह भी ये क्वेश्चन है ना, हर जगह 193 है, जो कि गलत है. अब गलत क्यों है ये बात समझो. अभी हमने बोला कि एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि सबके पास, अगर मैं कहता हूं कुछ एवरेज पैसे हैं तो वो सबके पास है, राइट? अब अगर टॉप 5 को मैं छोड़ दूं, टॉप 5 को अगर मैं छोड़ दूं, तो जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन अप टू 52, जो ये बच्चे बचे हुए हैं, इनकी एवरेज कितनी बची बेटा? 83. इनकी एवरेज 83 का मतलब यह है कि इन सबके पास 83 तो होंगे, राइट? किसी के पास ज्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे, बट टोटल 83 होंगे. और एवरेज का बेसिक मीनिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. या तो सबको 83 दे दो, या कुछ को 83 से कम दो और कुछ को 83 से ज्यादा दो, राइट? अब क्योंकि मैं टॉपर का स्कोर मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, तो मैं इसको मिनिमम वैल्यू देना चाहूंगा. और इसको मिनिमम कितना दे सकता हूँ? 83 से ज्यादा 84. इसको मैं 83 भी नहीं दे सकता. क्यों? अगर मैं इसको 83 दे रहा हूं तो इनमें से मैं किसी को भी 82 दे पाऊंगा, राइट? उस केस में इनकी एवरेज 83 नहीं बन सकती. एवरेज 83 बनने का मतलब उनके पास, सबके पास 83 तो होने चाहिए ना, विच मीन्स आई कैन नॉट टेक 83 है. सो 84 यहाँ पे इसका स्कोर ले लो, 85 इसका ले लो, 86 एंड 87, ये आप इन लोगों के आप स्कोर को कंसीडर कर लो. अब हमारे पास टोटल कितना आया? 18 × 4 = 320 प्लस 7, 6, 13, 5, 18 और 4, 22, 342. तो टोटल में से मैं 342 अगर माइनस करता हूं तो कितना बचा? 177 इज द स्कोर ऑफ द टॉप, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर 177 आपका आंसर आएगा. तो अगर आपका 177 आया था तो ठीक है. अब जाने से पहले वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी लेजेंडरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ
अक्टूबर एंड इनफैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नवंबर। हमारी वेबसाइट पे कोर्स पड़ा हुआ है, क्यूए की पूरी रिवीजन इससे होगी आपके 7 दिनों में। हर रोज की 6 घंटे की क्लास है, इतने में तो आपका पिज्जा भी नहीं मिलता। और राइट, तो फटाफट से इसको कर लो, ठीक है? जिसने एनरोल नहीं किया तो उसके बाद अपन चलेंगे आगे, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।